हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सेंड्रा एडवांस एजुकेशन। टुडे वी विल लर्न चैप्टर नंबर 10 HCF एंड LCM। सो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले कि हमारे HCF क्या होते हैं और हम HCF फाइंड करना सीखेंगे कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट हम मेथड जो सीखेंगे वो सीखेंगे कॉमन फैक्टर मेथड क्या होता है, फिर उसके बाद हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना सीखेंगे थ्री मेथड से, एंड लास्ट में हम सीखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले हम देखते हैं कि HCF हमारे होते क्या है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम HCF भी कहते हैं, ऑफ टू और मोर नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर डैट डिवाइड्स ऑल द नंबर्स विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। HCF हमारे टू नंबर्स का HCF हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होता है जो उन नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे और रिमाइंडर हमारा कुछ भी ना बचे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं हम। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय कॉमन फैक्टर मेथड। कॉमन फैक्टर मेथड के हेल्प से हमें HCF फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर वन है 16 एंड 28। पहले 16 देखते हैं कि 16 हमारा कौन कौन से टेबल्स में हमारा 16 आता है। वन के टेबल में तो सारे नंबर्स आते हैं, 16 भी आता है। 16 हमारे टू के नंबर में भी आता है, टू के टेबल में, फोर के टेबल में भी आता है, थ्री में तो आता नहीं, एट के टेबल में आता है, एट टू ज़ा 16। एंड जब भी हमारा किसी नंबर से टू बार आ जाए, मतलब एट टू ज़ा 16, टू टाइम्स आ जाए, तो हमारा उसके बाद लास्ट नंबर वही होता है सेम 16 का 16। सो 1, 2, 4, 8 एंड 16। ऐसे 28 के देखते हैं, वन के टेबल में तो सभी आता है, 28 भी आता है, 28 हमारा टू के टेबल में भी आता है। कैसे? जिस भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 एंड 8 आते हैं तो वो हमारे टू के टेबल में तो ज़रूर आएंगे ही आएंगे। सो हमारे 28 है, लास्ट में इसमें आ रहा है हमारा 8, तो हमारे टू के टेबल में भी आएगा, फोर के टेबल में भी 28 आता है, थ्री के टेबल में नहीं आता, 27 आता है, थ्री में 28 नहीं आता, तो सेवन के टेबल में आता है, 7, 4 ज़ा 28, 14, 2 ज़ा 28। अब 14 के टेबल में टू टाइम्स बार आ गया, 14, 2 ज़ा, तो 14 के बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा वो हमारा 28 ही होगा। सो 28 हमारा लास्ट नंबर हो गया। अब हमें फाइंड करना है कि कॉमन नंबर कौन सा है। वन इसमें भी आ रहा है, वन इसमें भी आ रहा है, टू इसमें भी आ रहा है, टू इसमें भी आ रहा है, फोर भी आ रहा है, फोर भी आ रहा है, तो हमें सबसे बड़ा नंबर, हाईएस्ट सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है जो दोनों में सेम हो, तो वो क्या आ रहा है हमारा 4। तो हमारा इसका आंसर हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, 26 एंड 39। 26 वन के टेबल में तो आते ही सभी नंबर, फिर 26 टू के टेबल में भी आएगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है। 26 ना हमारा थ्री के टेबल में आएगा, ना फोर में आएगा, ना फाइव में आएगा, ना सिक्स में आएगा, ना सेवन में आएगा, ना एट में आएगा, सीधा किस में आएगा, 13 के टेबल में, 13, 2 ज़ा 26। और जब भी टू टाइम्स आता है तो उसके बाद का जो नंबर होता है नेक्स्ट, वो लास्ट नंबर होता है हमारा 26 का 26। ऐसे 39 को देखते हैं, 39 हमारा वन के टेबल में तो सभी आएंगे, उसके बाद 39 हमारे टू के टेबल में आएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 9 आ रहा है, लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 और था तो हमारा टू के टेबल में ना आ जाता, लेकिन अब ये किस में आएगा, थ्री में, क्योंकि अब थ्री के टेबल कैसे पता चलेगा कि नंबर अगर बड़ा होगा कि थ्री में आएगा या नहीं आएगा। सो उसका एक तरीका होता है कि हम इन दोनों नंबर को ऐड कर लेते हैं, 3 एंड 9, 3 और 9 होते हैं हमारे 12 हमारे थ्री के टेबल में आता है तो ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट 39 हमारे किसी के नंबर में नहीं आएगा, सीधा 13 के टेबल में आएगा, आप 13, 3 ज़ा 39, और फिर 13, 3 ज़ा 39 के बाद हमारा फिर किसी के नंबर में नहीं आएगा, सीधा 39, 1 ज़ा 39। अब कॉमन फैक्टर 1 तो आ ही रहा है लेकिन हमें लेना है बड़ा, यहाँ पे 2 आ रहे हैं, यहाँ पे 3, ये कॉमन नहीं है, 13 और 13 दोनों में सेम आ रहे हैं, तो हमारा 13 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 एंड 70। पहले 35 देखते हैं कौन कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, टू में नहीं आता क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता तो टू में आता, अब लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 में जरूर आएगा। 5 के टेबल में हमारे कौन कौन से नंबर्स आते हैं 5 का देख लेते हैं। जिस भी नंबर के लास्ट में 0 और 5 आता है वो हमारा 5 के टेबल में ज़रूर आता है। जैसे यह हो गया 35 के लास्ट में 5 है तो ये हमारा 5 में आएगा, फिर 7, 5 ज़ा 35 मतलब 7 के टेबल में भी आता है, और सीधा उसके बाद किसके टेबल में आएगा, 35 के, 35 वन ज़ा 35।
अब ऐसे 70 के देख लेते हैं, 1 के टाइम में तो आएगा आएगा, 2 में भी आएगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, 0। 3 में आएगा नहीं ना, 4 में आएगा, लेकिन लास्ट में 0 आया तो 5 में जरूर आएगा। 7 टेन ज़ा 70, 10 सेवन ज़ा 70, 14 के टेबल में आएगा 5 टाइम्स, और फिर 14 के टेबल के बाद सीधा 35 के टेबल में, और 35 के बाद सीधा 70 के टेबल में आएगा। 70 वन ज़ा 70। अब हमें देखना है दोनों में सेम नंबर हो और बड़े से बड़ा हो। यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है, ठीक है। यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, भी ठीक है। अब यहाँ 35 आ रहा है, यहाँ भी 35 आ रहा है, तो सबसे बड़ा नंबर दोनों में सेम कौन सा आ रहा है, 35। सो HCF हमारा क्या आ गया इसका, 35। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 8, 12 एंड 24। पहले 8 देखते हैं कौन कौन से टेबल में आएगा। 1 के टेबल में तो आएगा ही आएगा, 2 के टेबल में आता है 2 4 ज़ा 8, 4 के टेबल में आता है 4 2 ज़ा 8, एंड लास्ट 8 1 ज़ा 8। इसके बाद 12 देखते हैं, 1 के टेबल में तो आएगा ही आएगा, फिर 2 के टेबल में 2 6 ज़ा 12, 12 हमारा 3 के टेबल में भी आता है, 3 4 ज़ा 12, 4 के टेबल में आता है 4 3 ज़ा 12, 6 में भी आता है 6 2 ज़ा 12, एंड 12 1 ज़ा 12। ऐसे 24 को देखते हैं, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, 4, 0 2 4 6 8 हो तो 2 के टेबल में आएगा ही आएगा। 3 के टेबल में भी आता है 3 8 ज़ा 24, 4 में भी आता है 4 6 ज़ा 24, 6 में भी आता है 6 4 ज़ा 24, 8 में भी आता है 8 3 ज़ा 24, 12 में भी आता है 12 2 ज़ा एंड 24 लास्ट में आ गया। अब तो हमें HCF निकालना जो तीनों में सेम हो और बड़े से बड़ा हो। बड़े से बड़े चेक करते हैं, यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ भी 8 आ रहा है, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा, तो 8 को तो लेंगे नहीं। फिर देखते हैं 4 यहाँ भी आ रहा है, 8 में भी आ रहा है, 12 में भी आ रहा है, और 24 में भी 4 आ रहा है, तो 4 ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, HCF हो गया हमारा 4। तो ये क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से अपने आप सॉल्व करने जो बाकी बचे हुए हैं। बाकी कोई क्वेश्चन आपसे ना हो तो आप डाउट में हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग बाय 3 मेथड। 3 मेथड के यूज से हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है 20। 20 हमारा 2 से डिवाइड होता है, तो सबसे पहले इन क्वेश्चन को करने के लिए हमें डिवीजन का पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होता है। सबसे पहले 22 से डिवाइड हो रहा है, 2 के टेबल में आता है। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देखते हैं कि 2 के टेबल में कोई नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा। 2 में नहीं आता, फिर 3 में चेक करते हैं, 3 में नहीं आता, फिर उसके बाद हम चेक करते हैं 7 में, 7 में नहीं आता, फिर ऐसे ही हम आगे चेक करते रहते हैं। 7 के बाद 11 चेक कर लेते हैं, फिर 13 चेक कर लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले 20 को देखते हैं, 22 के टेबल में तो आता ही है, 2 के टेबल में कितने टाइम्स, 2 10 ज़ा 20। अब ये 10 आ गया, इस 10 को चेक करेंगे, 10 हमारे 2 के टेबल में आता है, आता है, सो यहाँ पे आ गया 2 के टेबल में 2 5 ज़ा 10। अब हमारा 5 किसी के टेबल में नहीं आता, तो बस यहीं पे ये क्वेश्चन हमारा सोल्व। सो 20 का हमारा क्या आया, 2 2 एंड 5। ये वाला नंबर नहीं देखना हमें, 2 2 एंड 5। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 32। लास्ट में 2 आ रहा है, तो 2 से ही डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 16 टाइम्स। अभी 16 को डिवाइड करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 8 को डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8। अब 4 को देखेंगे, 2 2 ज़ा 4। अब 2 हमारे किसी के टेबल में नहीं आएगा, सीधा 2 में ही आएगा, तो अपने आप को छोड़ देते हैं, तो हमारा आंसर यहीं पर आ गया। तो इसके फैक्टर क्या हो गया, 2 2 2 2, एंड लास्ट का ये वाला भी 2। तो 32 क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा 75। 75 हमारा 2 के टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, 5, 2 से डिवाइड होगा ही नहीं। अब 7 और 5 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12, 12 हमारा 3 के टेबल में आता है, तो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से कितने टाइम्स कटेगा ये, 25 टाइम्स, तो 3 से 25 टाइम। अब 25 को देखेंगे, 25 ना 2 के टेबल में आएगा ना 3 में आएगा, सीधा किस में आएगा, 5 में, 5 5 ज़ा 25। सो इसके फैक्टर्स क्या होगा, 3 5 एंड 5 3 5 एंड 5। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 108 के लास्ट में क्या आ रहा है, 8। तो जब भी 0 2 4 6 8 आए तो 2 से डिवाइड करते हैं, इसे भी 2 से डिवाइड करेंगे, जब हम 108 को 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा हमारा 54। 54 के लास्ट में भी 4 आ रहे हैं, मतलब 2 से डिवाइड ही हमारा हो जाएगा, जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 27। अब 27 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में इसके 7 आ रहे हैं। अब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9। तो इसके हमारे फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 625।
अभी मैंने आपको बताया था जिस भी नंबर के लास्ट में ज़ीरो और फाइव आए वो फाइव से ही डिवाइड करेंगे, लेकिन फाइव से पहले चेक करते क्या थ्री के टेबल में भी आ जाएगा या नंबर नहीं आएगा। कैसे चेक करेंगे, सिक्स एंड टू एट, एट एंड फाइव थर्टीन, थर्टीन हमारे थ्री के टेबल में जाता तो थ्री से तो डिवाइड ही होगा ही नहीं, टू से तो होना ही नहीं है क्योंकि लास्ट में फाइव आ रहा है। अब किससे होगा, सीधा फाइव से। जब 625 को 5 से डिवाइड करेंगे 125 आ जाएगा, 125 को 5 से डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। सो इसके हमारे फैक्टर होगा 5 × 5 × 5 × 5। ठीक, अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हमारे कंप्लीट हो गए, बाकी जो क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं वो आपको खुद ही सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। इस बार हमें डिवीजन मेथड का यूज़ करके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 हमारे टू के टेबल में नहीं आएगा लास्ट में क्योंकि इसमें 5 आ रहा है, 3 में भी नहीं आएगा, 5 एंड 3 हमारे होते हैं 8, तो 3 में भी नहीं आएगा। अब सीधा किस में आएगा, जब लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 में, 5 7 ज़ा 35 7 1 ज़ा 7। सो 35 के जो हमारे फैक्टर हुए हो गए 5 × 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 के लास्ट में आ रहा है 0, सो 2 से डिवाइड हमारा हो जाएगा, 2 से 50 को डिवाइड करेंगे 25 टाइम्स। अब 25 हमारा 2 के टेबल में नहीं आता, 3 में भी नहीं आता, किस में आएगा, सीधा 5 में, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। सो हमारे जो 50 के फैक्टर हुए वो अगर 2 × 5 × 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 180 इसके लास्ट में आ रहा है 0, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 90 टाइम्स, या देख ऐसे सोच लेंगे कि ये 18 है, 2 9 ज़ा 18 एंड 0 की 0 आ गई। 90 के लास्ट में भी हमारा क्या आ रहा है, 0, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 90 से जब 90 को डिवाइड करेंगे 2 से हमारा आ जाएगा 45। अब 45 के लास्ट में 5 आ रहा है तो मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसे किससे करेंगे, 3 से। जब हम 45 को 3 से डिवाइड करेंगे 15 टाइम्स, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। सो हमारे इसके फैक्टर हो गए 2 × 2 × 3 × 3 × 5, 2 2 3 3 एंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 200, लास्ट में 0 आ रहा है तो हमें 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 1 ज़ा 2 एंड 0 की 0 सेम आ गई ऐसे। अब 2 के टेबल में देखते हैं 10, 2 5 ज़ा 10 एंड 0 की 0, फिर 50 के लास्ट में भी 0 आया, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से 25 टाइम्स। अभी ना हमारा 2 से डिवाइड होगा ना 3 से होगा, अब किससे करेंगे, 5 से, 5 5 ज़ा 25 5 1 ज़ा 5। सो हमारे इसके फैक्टर का 2 × 2 × 2 × 5 × 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 282 के लास्ट में 2 आ रहा है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2। जब हम 282 को 2 से डिवाइड करेंगे 141 हमारा आ जाएगा। अब इसको 2 से डिवाइड तो ये होगा नहीं, 3 से चेक करते हैं, 4 एंड 1 5 5 एंड 1 6, 6 हमारे 3 के टेबल में आता है तो अब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 ज़ा 12 हमारे जो है बच गए 2 2 एंड 1 21, 3 7 ज़ा 21। आप 141 को 3 से डिवाइड करके देखना, 47 टाइम्स कट जाएगा ये, और 47 हमारा किसी भी नंबर के नहीं डिवाइड होता, ये हमारा प्राइम नंबर है। सो 47 1 ज़ा 47, तो हमारे इसके फैक्टर जो आ गए 2 × 3 × 47 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट देखेंगे हम अगले वीडियो लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ए बी एंड सी हमारा कंप्लीट हो गया, सारे क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, कोई क्वेश्चन ना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।